भारतीय नौसेना के विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत पर हाल ही में MiG-29 के फाइटर जेट की रात में पहली बार लैंडिंग कराई गई। रात में सफल लैंडिंग का मतलब ये होता है कि युद्ध के समय आप दुश्मन पर हमला करने के लिए दिन का इंतजार नहीं करते, सीधा हमला करते हैं। INS विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट के अलावा MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और कामोव हेलीकॉप्टर तैनात हैं, लेकिन MiG-29 की ताकत ज्यादा है। पहले जानते हैं कि MiG-29 के फाइटर जेट की ताकत कितनी है। भारतीय नौसेना के पास करीब 44 MiG-29 के फाइटर जेट्स हैं। इसकी लंबाई 56.9 फीट और ऊंचाई 14.5 फीट होती है। इसकी अधिकतम स्पीड 2200 किलोमीटर पर आर होती है। 1500 किलोमीटर की रेंज है। हथियारों के साथ कॉम्बैक्ट रेंज 850 किलोमीटर की क्षमता रखता है। अधिकतम 57,400 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 3500 किलोग्राम की है। MiG-29 फाइटर जेट में 7 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, यानी 7 अलग अलग तरह के बॉम्ब, रॉकेट और मिसाइल इसमें लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक 30 मिलीमीटर का ऑटो कैनन लगा होता है, जो हर मिनट 150 राउंड फायर कर सकता है। इसमें 3 तरह के रॉकेट लगाए जा सकते हैं, जो हवा, जमीन और सतह पर मार कर सकते हैं। इसके अलावा 6 तरह की मिसाइलें इसमें लग सकती हैं, या फिर 665 किलोग्राम के 6 बॉम्ब लगाए जा सकते हैं। इस फाइटर जेट पर आप हवा से शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर टीवी गाइडेड और लेजर गाइडेड बम भी इसमें लगा सकते हैं। अब जहां तक बात रही INS विक्रांत पर लगे हथियारों की, तो इसमें बराक 8 और ब्रह्मोस मिसाइल लगी हैं। इसके अलावा कोस्टल बेस्ड AK-603 गन और ऑटोब्रेडा कैनन लगे हैं। इस पर 32 मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। बराक 8 से 100 किलोमीटर की रेंज में दुश्मनों की धज्जियां उड़ा सकता है। ये बिना धुएं के उड़ती है, इसीलिए आसमान में आते हुए नहीं दिखती। इसकी गति करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा इसमें भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइल लगा सकते हैं। युद्धपोत से दागी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के 2 वेरियंट्स हैं। पहली एंटी शिप मिसाइल, दूसरी लैंड अटैक मिसाइल। दोनों मिसाइलें नौसेना में पहले से एक्टिव हैं। ये मिसाइलें 200 किलोग्राम वॉरहेड को ले जा सकती है। ये 4321 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ती है। 76 mm के ऑटोब्रेडा कैनन लगे हैं, यानी वो तोप जो चारों तरफ घूमकर दुश्मनों के विमान, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, वॉरशिप या बोट पर हमला कर सकती है। ये एक मिनट में 120 राउंड फायर करती है। इससे निकलने वाले गोले 915 मीटर पर सेकेंड की गति से दुश्मन की ओर जाती है। इसकी रेंज 20 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा इसमें 4 AK-630 CIWS लगे हैं। ये एक क्लोज इन वेपन सिस्टम है। ये एक रोटरी तोप, यानी घूमने वाली तोप है, जो टारगेट जिधर जाता है उधर की तरफ घूमकर ताबड़तोड़ हमला करती है। इसे चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी की आवश्यकता होती है। फायरिंग रेंज 4000 राउंड्स पर मिनट से लेकर 10000 राउंड्स पर मिनट है। इसकी रेंज 4000 से 5000 मीटर है। टारगेट रेंज पे आते ही खुद ही फायरिंग शुरू हो जाती है।